I got up at 7:10 today. I got up 8. चलो ब्रश करते हैं. ये कहा कि रात में दवाई लगा के सुत मुंह में तो ना लगा के एको खा लो तहर बक रहा एको ना खिले का अबे एको तो खा ले यहाँ पे बन रहा है मस्त मसाले वाली चाय नहीं क्या और ठंडी में चाय अभी धूप निकल रहा थोड़ा सा धूप थोड़ा निकल रहा हमारे घर के चाय में अदरक लौंग काली मिर्च इलायची ये सब रहता है जी दोस्तों तो आई गॉट रेडी टू गो टू द जिम एंड ये मैडम भी नहा चुकी हैं और इनका जाप चालू है हम दोनों कितने डिफरेंट दिखते हैं डिफरेंट कार्य करते हैं कार्य क्षमता अलग है हमारा और एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट यू नो हर चॉइस उसकी चॉइस अलग है मेरी चॉइस अलग है मुझे फ्री माइंडेड रहना पसंद है मुझे खुल के जीना पसंद है उसको बंधन से मुक्ति से बंधन से ये मोह माया से उसको छुटकारा चाहिए वो ज़्यादातर भक्ति में रहती है एक तरह से वो सही है बट द थिंग इज़ मैं भी भक्ति करती हूँ एनीवे इस पे हम कभी बाद में डिबेट करेंगे चलो अभी निकलते हैं जिम के लिए नहीं तो टाइम अब क्योंकि आज है डे शनिवार तो ऑब्वियसली आज रहेगा मेरा नेक्स्ट डे आज पैरों की तो वाट लगने वाली है यूजुअली सैटरडे लेग्स डे ही होता है जिम में जब मैं जाती हूँ सैटरडे पता नहीं क्यों लोग जिम में बहुत कम आते हैं शायद वीकेंड मनाते हैं या फिर पता नहीं क्यों बाकी डेज तो हमेशा ही आते हैं मैंने एक बार पूछा भी था कि सर सैटरडे जिम इतना खाली क्यों रहता है फिर वो लोग बोले क्योंकि सैटरडे है ना अब बताओ इसमें क्या ही समझ पहले मैं यहाँ पर मेरे जिम में आ गई हूँ परफेक्ट तो आई डिड माई वर्कआउट और अभी मैं जा रही हूँ घर की तरफ तो मैं घर आ गई हूँ और घर आते ही मैंने देखा कि मेरे माँ पापा जो हैं वो बाहर गए हैं शायद कुछ सामान लाने मुझे नहीं पता क्या लाने गए हैं तो माँ ने मेरे लिए पोहे रखे हैं और मेरे लिए ओट्स भी रख के गई है मैं ऑफिस भी जाती हूँ ना तो वो मेरा टिफ़िन और नाश्ता भी रख देती है नारियल पानी साइड में रख देंगी और ड्राई फ्रूट्स मेरा साइड में रख देंगी शी डज़ एवरी थिंग मतलब सब ऐसे टेबल पे रख के जाएंगे कि प्रिया को कुछ ढूंढना ना पड़े कुछ करना ना पड़े वो सिर्फ रेडी होके खा पी के अच्छे से अपने जॉब के लिए निकल जाए और नहीं भी अगर जॉब जाना रहता है जिम से आ गई तो भी वो बेचारी ऐसे ऐसे कर देती हैं मैंने वैसे मेरी माँ से कभी बोला नहीं कैसा होता है ना अगर जो घर के बड़े बच्चे होंगे वो इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि वो कभी ये जता ही नहीं पाते अपने पेरेंट्स को कि वो उन्हें कितना मानते हैं कितना प्यार करते हैं पर मैं चाहती हूँ मेरी माँ जब ये वीडियो देखे तो आज उन्हें मैं ये कन्वे करूँ इस वीडियो के माध्यम से कि
मैं उन्हें कितना मानती हूँ। पापा को तो मैं मानती हूँ पर माँ को मैं ज़्यादा ही मानती हूँ। मैंने उनसे कभी बोला नहीं वैसे, अभी देखेगी ना तो इमोशनल हो जाएंगी। चलो देखने दो, दैट माँ आप दुनिया की बेस्ट माँ हो। बस देखो गाइस मेरे को कितने दिनों बाद नारियल पानी मिला है। कितने दिनों के बाद? कल ही था कि नहीं? एक दिन के बाद मिला है। महिमा के मुंह में छाले, उससे कुछ भी खाया नहीं जा रहा है, इसलिए उसको सादा खिचड़ी बना के दिया है माँ ने। बेचारी खा रही है। 2 बजने वाले हैं और मैं जा रही हूँ पेपर देने के लिए। दी आने वाली थी पर दी अभी सो गई है, तो इसलिए मुझे पापा छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो मैं पेपर दे के आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस चलो फिर लंच करते हैं। मैं एक्चुअली सो गई थी पर अभी लंच करके फिर महिमा को लेकर आएंगे। महिमा को लेकर आते हैं। अभी सो गई थी, वो गई है पेपर देने, तो उसको लेकर आते हैं। 4 बज गए ना, 4 बजे वो छूटने वाली थी। हाँ जी दोस्तों, तो मैं इसको लेके घर आ गई हूँ। इसका आज इंग्लिश का पेपर था और बोल तो रही है कि अच्छा गया है। हंसा नहीं जा रहा है, खाया नहीं जा रहा, पिया नहीं जा रहा है। और कल मोहतरमा का जन्मदिन है और ये हाल हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, कल जाओगे ना तो हैप्पी हो जाओगे। अभी फिर से इसके लिए दवा लेकर आए हैं। मैं रूम में आए हैं क्योंकि हमें कपड़े सेट मतलब निकालने हैं कि कल हम क्या पहन के जाएं, क्योंकि कल सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। पूरी फैमिली 6 बजे ही निकलने वाली है विद मिश्रा अंकल, तो मिश्रा अंकल की फैमिली भी है और हम लोग भी हैं। तो अभी चलो कपड़े निकाल लेते हैं और देखते हैं कैसे क्या पहन के जाना। गाइस तो अभी भैया आने वाले हैं तो भैया को लेने जा रही हूँ मैं। स्टेशन पर चलते हैं। मुझे खाया नहीं जा रहा है कुछ भी, मोस्टली मैं लिक्विड चीज़ें ले रही हूँ। तो अभी मैं दूध पीने जा रही हूँ और बस इतना ही पीने वाली हूँ, खाना नहीं खाऊंगी मैं अभी। पूरा दवा खा लिया, दवा कर पूरा मलहम मुंह लगा लिया। ये सर सिर्फ लोगों को फंसाने का तरीका है, वो जगह लोगों के रहने के लायक नहीं है। मिसाल के बारे में सुना है? वहाँ बच्चे मिसाल को बहुत सोचे करते हैं, अगर वहाँ गए तो भगवान जाए बदल दिया। आप इतना जाते हैं तो मैं जाती हुए मैं नहीं, मेरी वाइफ जा रही है, वो गई। तो आई एम बैक एंड वो देखो वो भैया आ रहे हैं, नहीं वो आ रहे हैं दोस्तों। तो चलो अभी हमने तो बाहर एक्चुअली रगड़ा पैटिस खा लिया मैंने और भैया ने। एनीवे चलो खाना खाएंगे बाद में, भूख तो नहीं है अभी अब बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे डिनर में बन रहा है आलू के पराठे। आलू के पराठे, आलू के नहीं, आलू आटा में भर के पराठे। आलू के पराठा ना। अरे ये जाने की ऐसा बात है, कोई तो ना ठीक रहा की दी पार्टी लोग ना में हो जाए बैठ टेबल है ने करा ना पांच का कोला आंसू सुनने में बात है कल कहीं घूमने के लिए मत निकलो खाई लो। हां बता आलू पराठा बना था मेरे, आलू आटा में भर के बना था। तालू एक एक का कर दे फिर आलू आटा में भर के पराठा बना लो। कि आलू पराठा हल्ला हो, आलू भर के पराठा खा। आलू भर के हाँ तार फुआ खा तेरी कैसे पापा तीज हो गया महिमा के रहे ना गोल गोल उबाल के नहीं बने एक रख उबालियो तो बने बाबू लिट्टी खाने लिट्टी खाने गोल गोल हाँ बने ला। ये मैडम जी का कल है बर्थडे,
कहो बर्थडे गर्ल, कहा हो गया, बोल नहीं पा रही है, उसके मुंह में छाले हो गए बेचारी के। आज घर में इतना सुकून शांति मिल रहा है कुछ दिनों से कि क्या ही बताए, बस रोना ही आ रहा है महिमा। ओ माय गॉड, देखो रोए जा रही है। तो दोस्तों आज का दिन और व्लॉग हम यहाँ पे ही एंड करते हैं, और कल का हमारा व्लॉग शुरू हो जाएगा सुबह 4 बजे से ही, क्योंकि आप लोग को पता है कल का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, और कल का दिन भी बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारी छुटंकी का जन्मदिन जो है, और ये छुटंकी बहुत परेशान है अपने मुँह को लेके। एनीवे तो मिलते हैं आपसे हम कल के व्लॉग में, टिल देन गाइस डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इफ यू आर न्यू टू द चैनल, एंड यस स्टे ट्यून्ड टू आवर वीडियोस, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर seeing our previous videos of the trip to Bhandara Dongar, काफ़ी अच्छी व्यूज़ है, thank you so much guys for watching that, bye bye, Jai Hind।